है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके मानव के मन में। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी जब बन जाता है। ये कविता कहीं ना कहीं भारत के अनंत आकांक्षाओं का भी प्रतीक चिन्ह है, जो एक ऊंची उड़ान भरने के लिए उद्यत है, परंतु या तो उन्हें पर्याप्त साधन नहीं मिलते, और अगर साधन है तो उनका उचित उपयोग नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, और मैं अनिमेश पांडे आपका परिचय कराता हूं फॉर्मूला वन और मोटो स्पोर्ट्स के उस जगत से, जहां भारत के लिए अनंत अवसर उपलब्ध हैं, परंतु वह इसमें एक महाशक्ति के रूप में नहीं उभर सका। और क्यों नहीं उभर सका, इसका कारण हमें जानना है, तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में मोटो स्पोर्ट्स के सबसे चर्चित संस्करणों में से एक फॉर्मूला वन कार रेसिंग का विश्व चैंपियनशिप संपन्न हुआ है। इसमें रेडबुल होंडा का प्रतिनिधित्व कर रहे मैक्स वर्स्टैपेन ने रोमांचक मुकाबले में चर्चित पूर्व विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को लगभग एक फोटो फिनिश के अंतर से परास्त किया। हैमिल्टन की टीम मर्सिडीज ने इसके विरुद्ध अपील की, परंतु वह निरर्थक सिद्ध हुई। इसके साथ इस वर्ष के लिए मैक्स फॉर्मूला वन के नए विश्व चैंपियन सिद्ध हुए। हालांकि टीम चैंपियनशिप इस वर्ष मर्सिडीज के पास ही रहेगी। परंतु कभी हमने सोचा, इतने विशाल मंच पर भारत ने कभी झंडे क्यों नहीं गाड़े? ऐसा क्या कारण है कि भारत मोटो स्पोर्ट्स में उतना प्रभावशाली नहीं है जितना यूरोप और कुछ हद तक अमेरिका भी है? क्या भारत एक पिछड़ा देश है इसलिए? कदापि नहीं। क्या भारत इस मामले में कहीं से भी हीन है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ऐसा क्या है कि भारत मोटो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एकदम पिछड़ा हुआ है? ऐसा क्या है कि जिस मंच पर माइकल शुमाकर जमकर धूम मचाते थे, वहां आज तक एक भी भारतीय देश को गौरवान्वित नहीं कर पाया है? इसके पीछे कारण अनेक है, परंतु सबसे प्रमुख कारण है जीजी विशा। एक बहुत ही उचित कथन है, यदि कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या भारत के पास संसाधन नहीं है? ऐसा भी नहीं है। भारत के पास उचित इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाटा और महिंद्रा जैसी कर्मठ कंपनियां भी हैं, धनबल है, प्रतिभा है, बस कमी है तो इच्छा शक्ति की। हमने अब जाकर अगर ओलंपिक में, और वो भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, जब कुछ मेडल जीतना प्रारंभ किया हो, तो आप भली भांति समझ सकते हो कि आखिर क्यों भारत मोटो स्पोर्ट्स में दूर दूर तक नहीं गिना जाता। ऐसा भी नहीं है कि भारत ने कभी प्रयास भी नहीं किया। 2011 में भारत ने इंडियन ग्रां प्री का आयोजन किया था, जिसके लिए नोएडा में गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय रेसिंग सर्किट का निर्माण किया गया था। 2013 तक भारत में सफलतापूर्वक 3 रेस आयोजित हुए, परंतु अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी ने परिस्थितियां ऐसी पैदा की कि 2015 में प्रस्तावित इंडियन ग्रां प्री कभी आयोजित नहीं हुई, और आज भी गौतम बुद्ध सर्किट लगभग बंद पड़ा है। इसके अलावा हमारे देश में ऐसे भी योग्य खिलाड़ी है जिन्हें अगर उचित प्रशिक्षण और साधन दिए जाए तो वे भारत को वास्तव में एक नई उड़ान दे सकते हैं, जैसे जेहान दारूवाला। केवल 21 वर्ष की आयु में ही जेहान को भारत के अगले F1 आशा के रूप में देखा जा रहा है। इन्हें रेड बुल रेसिंग द्वारा एक जूनियर टीम ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जेहान कार्लिन रेसिंग के लिए FIA फॉर्मूला 2 की श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसमें रेडबुल के 2 रेसिंग जूनियर ड्राइवर पहले से ही शामिल हैं। श्रृंखला को भविष्य के फॉर्मूला 1 सितारों के लिए अंतिम प्रशिक्षण मैदान के रूप में जाना जाता है, जो कि सहायक श्रृंखला के रूप में F1 ग्रांड प्री के साथ आयोजित की जाती है। इसी भांति हीरो मोटोकॉर्प एक ऐसी भारतीय कंपनी है जो अंतरराष्ट्रीय बाइक रैली में भाग लेती है, और जिनके प्रमुख राइडर है CS संतोष, जिन्होंने बाइक रैली में भारत के लिए अलग छाप भी छोड़ी है, और जिन्होंने विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित भी किया है। ये नारायण कार्तिकेयन की भांति सिर्फ नाम के खिलाड़ी नहीं, परंतु जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। मोटो स्पोर्ट्स काफी आकर्षक और निवेश से परिपूर्ण है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक नया संबल दे सकता है। यदि इसमें सही निवेश और सही लोगों को बढ़ावा दिया जाए, तो भारत में मोटो स्पोर्ट्स का वैसा ही कायाकल्प होगा जैसे 1983 के विश्व कप विजय के पश्चात
भारत में क्रिकेट के साथ हुआ, बस इच्छा शक्ति मजबूत करने की ही देर है।